हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियांकित ब्लॉग। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आगे की वीडियो आप लोग देखे होंगे और पता भी होगा कि हमारे यहाँ शादी है, और वही मैं शादी का ही ब्लॉग लेकर आई हूँ। मेरे यहाँ जो शादियाँ होती हैं वो पूरे रीति रिवाज से होती हैं। तो यहाँ पर कुआँ पूजन हो रहा है, बट आज के डेट में कुआँ है नहीं, तो यहाँ हैंडपम्प को ही पूजे जा रहे हैं, मतलब पूजा हो रही है। जैसा कि कुएं से पानी लोग खींचते हैं ना, तो यहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ एक बाल्टी। पूजा होता है इस पानी से, तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये वीडियो देख करके। रहने दो, थक जाओगी यार। मम्मी हाथ दीजिए, मुस्कुरा मुस्कुरा कर काम करना चाहिए। और यहाँ पे हो रही है फोटो मामा और भांजे लोग के साथ। बहुत सब खुश हैं कि हमारे मामा का क्या हो रहा है। यहाँ पे हल्दी लगाना अभी बंद नहीं हुआ है इन लोग का, क्योंकि इतने सालों के बाद लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं ना, ये खुशियाँ अलग ही होती हैं। खूब ढेर सारे सब लोग मिलकर के हल्दी लगाएं, बहुत बहुत इंजॉय किए हम लोग हल्दी वाले दिन से लेकर के। मतलब मेरे यहाँ ना हल्दी वाला दिन बहुत लंबा चलता है, तो इसलिए सब जो वीडियो है एक एक पार्ट में लेकर आ रही हूँ। अपने शादी के बाद ताजा लगता। इधर देख लीजिए, इधर देखिए। और यहाँ पे तो बड़े पापा को मालूम भी नहीं था कि इनको भी हल्दी लगेगी, आराम से लेटे थे। और यहाँ पे ये हैं पापा लोग की भाभी लोग हैं, तो खूब मस्ती चल रही इन लोग की हल्दी वाले दिन से लेकर के। और देख रहे हैं कैसा इन लोग का फेस हो गया हल्दी लगा लगा कर। इतने सब लोग बिजी रहते हैं ना, टाइम नहीं मिला, लेकिन पापा लोग भी छोड़े नहीं, इन लोग के एकदम पीछे पड़ गए थे हल्दी लगाने के लिए। मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है। और फिर यहाँ पे हो रही है कलश। कलश को यहाँ पे गोबर से बनाते हैं छोटा छोटा, क्योंकि गोबर जो होता है गाय का शुभ माना जाता है किसी भी काम के लिए, तो वही पूजा करने के लिए कलश पे गोबर लगा रहे हैं। और फिर उसको सिंदूर से टीकते हैं, टीका लगाते हैं। फिर यहाँ भाई लोग छत पे आकर के बांस को गाड़ रहे हैं, मतलब माड़ो बोला जाता है मेरे साइड, आप लोग के भी माड़ो ही बोलते हैं इसको, तो माड़ो यहाँ पे लगा रहे हैं। देख रहे हैं कितने लंबे चौड़े बांस हैं, क्योंकि घर का है ना, खुद के पेड़ का, तो ऐसे ही। और फिर यहाँ पे माड़ो वाली तैयारी हो रही है। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, बने रहिए आगे तक हमारे इस ब्लॉग में। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी यही सारे रस्में होती हैं, रीति रिवाज से शादियाँ होती हैं। और मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ गोबर वाला पोस्टर,
क्योंकि ऐसे तो बना नहीं सकते, दीवार पूरा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे पोस्टर लगा रही हूँ कोहबर का, कैमरामैन खूब अपना लगे हैं मुझे तो बहुत मज़ा आती है, अच्छा भी लगता है वीडियो और फोटो क्लिक करवाने में। तो यहाँ पे चावल भर रही हूँ भाई के अंजोली में और फिर यही लेकर जाएंगे और बैठेंगे जो आंगन है वहाँ पे, फिर पूजा शुरू हो जाएगी। अब होगी यहाँ पे पूजा शुरू हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं। इनका जो भी अपना मंत्र होगा, जो भी पूजा वाला मंत्र होता है शादी का और हल्दी का, तो यहाँ पे अपना पढ़ेंगे और पूजा करेंगे और हल्दी वाले कार्यक्रम को शुरू करेंगे। अवसागमने भद्रम कर्णे विष्णुयां भद्रम पश्चिमा स्त्री रंग सुनाह देवितव्यदायु सतमिन सर्वा अंत देवाय कर्णश्च। फिर यहाँ पे बड़ी मम्मी आ गई हैं भाई के सर पे पल्लू रख करके बैठने के लिए पूजा में, और यहाँ पे हमारे यहाँ बोला जाता है इसको चौक पे बैठना। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी सबसे घर में बड़ी हैं तो यहाँ पे मम्मी बैठी हैं।
सारी पूजा हो गई है और यहाँ पे हल्दी लगाने की बारी आ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कों की हल्दी है तो पहले 5 लड़के लोग पहले लगाते हैं हल्दी, फिर हम लोग लगाएंगे। तो वही अब भाई लोग शुरू कर दिए हल्दी लगाना, फिर हम लोग लगाएंगे हल्दी। और यहाँ पे भाई लोग मिल करके लगा रहे हैं अपने भाई को हल्दी, और हम लोग लगाएंगे अभी इन लोग के बाद। और आप लोग प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा विथ बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी जो अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी शादी की और मेहंदी की तो आप लोग ज़रूर इसे देखें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।